हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गार्लिक पराठा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इस रेसिपी को आप बनाइए और दही, अचार या सब्जी के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। गार्लिक पराठा बनाने की सामग्री है: 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, 1/4 कप बारीक वाली सूजी, 3 बड़ा चम्मच मक्खन या बटर, 6 से 7 कली लहसुन की, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच ओरिगेनो, 1 छोटी चम्मच चीनी, नमक स्वाद के अनुसार, 6 बड़ा चम्मच तेल और पानी। चलिए बनाना शुरू करते हैं गार्लिक पराठा। पराठे के लिए हम डो तैयार करेंगे। बड़े बाउल में आटा डालेंगे, मैदा डालेंगे, पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए बारीक वाली सूजी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे, 2 सारे सामग्री को अच्छे से मिलाएंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे और सख्त डो तैयार करेंगे। सख्त डो हमारा तैयार है। अब हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और डो को चिकना कर लेंगे। तेल लगाकर डो को हमने चिकना कर लिया है। अब हम डो को सेट होने के लिए 30 मिनट के लिए रखेंगे। डो हमारा सेट होने वाला है। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। लहसुन लेंगे और लहसुन को हम ग्रेट कर लेंगे। लहसुन को हमने ग्रेट कर लिया है। मक्खन डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगेनो डालेंगे, हरा धनिया पत्ता डालेंगे। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिला लेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद हमने इसे गर्म कर लिया है। डो हमारा सेट हो गया है। अब हम लोई बनाएंगे। लोई हमने बना ली है। चकले पर सूखा मैदा लगाएंगे और बेलेंगे। इस तरह से हम एक बड़ी रोटी बनाएंगे। मक्खन वाला मिश्रण लगाएंगे। मिश्रण को हमने अच्छे से लगा लिया है। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और अब हम इस तरह से मोड़ेंगे। आखिरी हिस्से को हम नीचे से दबा देंगे। फिर से हम सूखा मैदा लगाएंगे और बेलेंगे।
पराठे को हम इसी तरह से मोटा बेलकर तैयार करेंगे और तवे पर सेकेंगे। पराठे को सेकने के लिए हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। पराठे को हम तवे पर रख देंगे। पराठा हमारा एक साइड से सेक गया है, पलट लेंगे। पराठे के ऊपर हम तेल लगाएंगे। पराठे को हम दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। पराठे को हम फिर से पलट लेंगे, तेल लगाएंगे। पराठे को हमने दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब हम पराठे को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे को सेक कर तैयार करेंगे। पराठे को हमने अच्छे से सेक लिया है। पराठा हमारा बहुत ही अच्छा बना है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है। पराठे के ऊपर हम मक्खन वाला मिश्रण लगाएंगे। मिश्रण को हमने लगा लिया है। अब हम गर्मा गर्म परोसेंगे। इसी तरह से गार्लिक पराठा आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।